क्वेश्चन है, अ फिल्म ऑफ ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.20 लाइज ऑन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.33। तो एक काम करते हैं, ये नीचे लेते हैं वाटर, ये रहा वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर कितना है? 1.33। और इसके ऊपर लेते हैं ऑयल, ये रहा आपका ऑयल की फिल्म है, ये ऑयल फिल्म है, इस ऑयल फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फिल्म आपको गिवन है 1.20, राइट? दो मीडियम्स हैं, तो एक वाटर है और ऑयल है, तो ये हमने बना दिया। आगे पहली चीज़ माइंड में ये आती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 है, लेकिन बाहर मीडियम क्या चल रहा है? ऑयल फिल्म है। तो क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लूँ या वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल लूँ? क्योंकि बाहर तो ऑयल है, एयर क्यों? बाहर तो ऑयल है, क्योंकि मेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.33 है और उसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि विद रिस्पेक्ट टू ऑयल है या फिल्म है या क्या है, तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया जाता है? एयर। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो दूसरा मीडियम बाहर की तरफ क्या इमेजिन किया जाता है? एयर। तो क्लियर है, ये आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। यहाँ रिलेटिव मत लेना, कि रिलेटिव में मेंशन होता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फिल्म, तो फिर ऊपर एफ लगाना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर करती है किससे? फिल्म से एंटर करती है, ये नॉर्मल है, और वो बेंड करती हुई वाटर में चली जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये रिफ्रैक्शन आर है। तो यानी कि फिल्म से एंटर करती हुई वाटर में जा रही है, आई और आर, आपने दो एंगल्स को कंसिडर कर लिया। आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? रे ऑफ लाइट 30 डिग्री पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है कितना? 30। आपको आर निकालना है। एक ही फॉर्मूला आता है, स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है, स्नेल्स लॉ का कहते हैं, म्यू फिल्म इनटू साइन ऑफ आई इज म्यू वाटर इनटू साइन ऑफ आर। ठीक है ना, तो म्यू फिल्म इनटू साइन ऑफ आई, म्यू वाटर इनटू साइन ऑफ आर। तो आपको म्यू फिल्म गिवन है 1.20, साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 30। म्यू वाटर गिवन है 1.33 और साइन ऑफ क्या हो जाएगा? आर। तो यहां से सॉल्व करें, सॉल्व करके साइन ऑफ आर की वैल्यू निकाल लें, और हो सकता है आपको कोई ऐसी वैल्यू पता लग जाए जिससे आपका ये एंगल आप निकाल ना पाएं। जैसे 27 डिग्री कैसे निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा, 45 निकलेगा, 90 सब निकलेंगे, 27 तो नहीं निकलेगा कम से कम। तो फिर कोई बात नहीं, आप अपने क्वेश्चन को साइन आर निकाल लें, और साइन आर की वैल्यू आ रही है 0.45। जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 0.45। एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे, साइन आर की वैल्यू आ रही है 0.45। आप एंगल नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, साइन इनवर्स 0.45 छोड़ाएं, पर वैसे जो मैंने नोट किया है बोर्ड में अच्छे एंगल आते हैं जिसमें आप ऐसा नहीं छोड़ते, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे सही एंगल दिए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन कैसे लगेगी इसमें। वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू, प्रिंटेड पेज है इज केप्ट प्रेस्ड बाई अ ग्लास क्यूब, ये लो, ये एक ग्लास का बना हुआ क्यूब है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 गिवन है। नीचे प्रिंटेड पेज है, कुछ अक्षर लगे हुए हैं यहाँ पे ना, कुछ लिखा हुआ है पेज के ऊपर, और उसके ऊपर आपने ग्लास का क्यूब रख दिया। तो ग्लास क्यूब के अंदर से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो ये कि आप किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को पढ़ोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ नजर आएगा ही नहीं, आपको थोड़ा डिस्टेंस ऊपर नजर आएगा, बिकॉज बीच में रिफ्रैक्शन के इफेक्ट है, तो आपको वो बेस ऊपर नजर आएगा। क्या क्वेश्चन है? वो कह रहे हैं एज 6 सेंटीमीटर है, तो ये थिकनेस इसकी 6 सेंटीमीटर है। आपको बता रहे हैं कि कितना शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा ये बताएं। तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, मान लो वो डी डिस्टेंस शिफ्ट होगा, तो डी का फॉर्मूला क्या है? टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ ग्लास
टी आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, म्यू आपको पता है 1.5 है, इतने सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट आएगी और यही आपको निकालना है। तो ये वर्ड कितना ऊपर शिफ्ट होगा उसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें, आपका आंसर आएगा। इस पूरी असाइनमेंट में कुछ भी नहीं करवाया मैंने आपको, एक स्नेल लॉ और एक नॉर्मल शिफ्ट। मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन में तो कुछ कर रहा ही नहीं है, फॉर्मूला ही है क्या नॉर्मल शिफ्ट का, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको पता हो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आंसर सबको पता है ये नॉर्मल शिफ्ट है, हर का आंसर ही नॉर्मल शिफ्ट है, ठीक। पर जब आप मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मिसलेनियस आएंगे, वहाँ पर आना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है, वहाँ पर आप पहचान नहीं पाएंगे इसे बिना प्रैक्टिस के। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड, अरे जी एक माइक्रोस्कोप है उसको फोकस किया जा रहा है, ऑन अ मार्क मेड ऑन अ पेपर। तो एक ना मार्क है पेपर के ऊपर, ये मार्क है एक पेपर के ऊपर, इसको ना फोकस किया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है मुझे दिख नहीं रहा तो मैं इसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा इधर पेपर के ऊपर एक मार्क है, इसको जरा फोकस करना माइक्रोस्कोप से। मैंने कहा ठीक है फोकस करता हूँ। मैं फोकस करने लगता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। तो मुझे क्या करना पड़ा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक क्या रख दी, ग्लास स्लैब रख दी। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी, 1.47 सेंटीमीटर। अब हुआ क्या, ये हमें पता है कि अगर आप एक मार्क के ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ नजर आएगा ही नहीं, कहाँ नजर आएगा, वो डैश पे नजर आएगा। तो वो ये कहते हैं कि मेरे को माइक्रोस्कोप को शिफ्ट फोकस ओ पे नहीं करना पड़ा, मुझे माइक्रोस्कोप को रेज करना पड़ा ऊपर की तरफ, कितना, 0.49 सेंटीमीटर। तो मेरे को माइक्रोस्कोप जब मैंने ओ पे रखा मुझे नजर कुछ नहीं आया, मुझे कहां पे रखना पड़ा, ओ डैश पे। ऑब्जेक्ट ओ पे है, मैं माइक्रोस्कोप से उसको बड़ा करके देखना चाहता हूं। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर ग्लास स्लैब को रख दिया, ग्लास स्लैब रखने से ऑब्जेक्ट ओ डैश पे नजर आ रहा है, तो मेरे को माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा ताकि मैं इसको देख पाऊं, कितना ऊपर, 0.49, ठीक। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, नॉर्मल शिफ्ट, मुझे नॉर्मली कितना शिफ्ट करना पड़ा, 0.49 डी दे रहा है। और मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। तो डी का तो एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ये रहा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है, टी आपको पता है 1.47 है, डी इस केस में कितना गिवन है, 0.49, म्यूजी निकाल लो आंसर। मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो है ही नहीं इसमें, सॉल्यूशन में तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला ही एक है, प्रॉब्लम है कि उस प्रॉब्लम को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्योंकि जब पेपर में आएगी तो पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या बोले जा रहा है। तो वो स्टेटमेंट जो है वो कैसे इंटरप्रेट करके सॉल्यूशन के साथ मैच करना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। वो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, हाँ वो रियल डेप्थ होती है, जितनी स्लैब है जिसमें से रिफ्रैक्शन हो रही है वो रियल है, ठीक। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम गिवन है और वैक्यूम गिवन है। जब भी ये चीजें गिवन होती हैं इसका मतलब वो आपसे क्या निकलवा रहा है, म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम के अंदर आपको स्पीड गिवन है, मीडियम के अंदर भी आपको स्पीड गिवन है, सॉल्व करके सबसे पहले मीडियम का क्या निकल गया, म्यू। नेक्स्ट है, फाइंड बाय हाउ मच बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड, एक वेसल है इसके अंदर लिक्विड है, ये बॉटम है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। वो कह रहा है ये बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना रेज ऊपर नजर आएगा, क्या निकालनी है, नॉर्मल शिफ्ट। तो कितना ऊपर नजर आएगा, और जबकि डेप्थ ऑफ लिक्विड है कितनी, यानी कि टी कितना है, 0.25 है, ठीक है इतना। तो आपको कितना ऊपर नजर आएगा, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। तो आप यहां पर वैल्यूज पुट कर देना, टी आपको पता है, म्यू आपको पता है, सब कुछ आंसर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बात ये है ही नहीं, बात तो ये है कि आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट की प्रॉब्लम क्लियर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इकलौता क्वेश्चन है जो उल्टा है,
मतलब और ये मेंशन भी नहीं करता कि उल्टा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या बता रहा है। आप पहले एक स्टेटमेंट पढ़ लें, मतलब बहुत लोगों को जब ये बुक्स करते हैं ये डाउट आता है, और जेन्युइन भी ये डाउट। अब मैंने भी पहली बार किया, मैं खुद सोच रहा हूँ कि क्या हुआ है इसमें, तो जब मैंने सॉल्व किया तो फिर इस तरीके से सॉल्व किया। तो देखो जरा क्या है इसमें, इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है वो देखो, देखो मैं स्टेटमेंट साथ साथ पढ़ता हूँ। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है बात समझ में आ रही है। किसी कंटेनर में ना लिक्विड है, उसका मुझे म्यू निकालना है, सही है। डेटा गिवन है, रीडिंग फॉर द बॉटम ऑफ एम्प्टी बीकर, एक खाली बीकर है जिसमें पानी नहीं है। अब किसकी रीडिंग, रीडिंग किसकी लूँ, बीकर की लूँ, बीकर तो कितना भी हो सकता है, मैं रीड क्या करूं ये तो बताओ। वो कह रहा है रीडिंग ये गिवन है, रीडिंग फॉर द बॉटम ऑफ एम्प्टी बीकर गिवन है, रीडिंग फॉर द बॉटम ऑफ द बीकर व्हेन पार्शियली फिल्ड विद द लिक्विड इज गिवन। मतलब कुछ तो अंदर कॉइन या ऑब्जेक्ट है जिसकी क्या ले रहा है, वो रीडिंग ले रहा है। तो चलो मैंने अपने मन में मान लिया इस कॉइन की रीडिंग ले रहा है, ठीक है इस कॉइन की रीडिंग ले रहा है, और मैं ऊपर से देख रहा हूं मान लो, तो इस क्वाइन की रीडिंग कितनी है शुरू में 11.324, और पानी डालते ये क्वाइन कहाँ नजर आएगा मुझे, ऊपर कि नीचे, ऊपर नजर आएगा। तो ये रीडिंग अगर 11.324 है, पानी डालते ये रीडिंग थोड़ी कम होनी चाहिए, पर बी पॉइंट क्या कह रहा है, पानी डालते ये रीडिंग क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि मेरे को तो सिखाया था कि क्वाइन ऊपर नजर आता है, ये कह रहा है कि क्वाइन दूरी हो गया। हाँ अब यहां से आपको ये दे नहीं रहा ना, रेफरेंस पॉइंट नॉर्मली हम ऊपर से लेते हैं, ये अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ओरिजिन ये ले रहा है। अब बताया नहीं उसने, अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर आपकी रीडिंग बढ़ रही है तो आपने रीडिंग यहां से नहीं ली, आपने यहां से ली। तो कॉइन की रीडिंग पहले कितनी थी, एम्प्टी बीकर से, एम्प्टी बीकर के बेस से। अब हवा से तो लेगा नहीं, क्योंकि बीकर कितना बड़ा मैंने क्या बताया तो पता ही नहीं, तो कहां से ले रहे, बेस से ले रहे हैं। तो बीकर के बेस से उसकी रीडिंग कितनी आई, खाली जो जो जब बीच में हवा है तो इतनी आई, पानी डालने के बाद ये रीडिंग 11.802 आई। इट मेक सेंस, क्योंकि अगर नीचे से अगर ले रहे हैं तो रीडिंग बढ़ जाएगी, और जबकि ऊपर से ये रीडिंग घट जाएगी। और सी पॉइंट है कि रीडिंग ऑफ द अपर लेवल ऑफ द बीकर इज 12.985, मतलब वो तो कह रहा है कि जो अपर लेवल है बीकर का वो टोटल हाइट दे रहा है 12.895 है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हम अपना क्वेश्चन कहाँ से करते हैं, ऊपर से, ऊपर से करते हैं, तो ऊपर से इस क्वाइन का डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो रियल डेप्थ, और जब पानी डाल दिया तो टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो एपरेंट डेप्थ, म्यू निकालना है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इज द आंसर। अब आंसर सही मैच करेगा आपका। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, अगर रीडिंग उल्टी गिवन है तो फिर आपने रेफरेंस पॉइंट एम्प्टी बीकर का बेस लेना है, वहां से आपके आंसर सही बैठेंगे। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है ये, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट बहुत मिनिमम वैल्यू वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो। तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है कि ऐसा कब हो सकता है, जब आपका जो रीडिंग जो है ऊपर की बजाय नीचे से हो रही है, राइट। नेक्स्ट है, हाँ ये करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करें, क्वेश्चन है वेसल कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये लो, ये आपका एक वेसल है, इसमें वाटर है,
और पानी कितनी हाइट तक का है? 20 सेंटीमीटर तक का पानी है। अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर ऑयल है, जो ऑयल है वो भी 20 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर ऑयल है। तो ये वाटर है, ये ऑयल है, और ये भी कहाँ तक है? 20 सेंटीमीटर तक का ऑयल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना? 1.33। और ऑयल का कितना गिवन है? ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.30, ये फिगर है, ठीक है। तो ऑयल हल्का है तो ऊपर है, लेस डेंसर है, या डेंसर है नीचे है। अब फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। एपरेंट डेप्थ कितनी है ये पूछ रहा है। चलो एपरेंट डेप्थ बाद में सही, आप पहले एक चीज़ का आंसर दें। अगर एक कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ है तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो कॉइन आपको ऊपर नजर आएगा, ओ की जगह ओ डैश पे। सबसे पहले आप ये बताएं इसकी नॉर्मल शिफ्ट कितनी है। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन दो मीडियम्स के थ्रू है, ऑयल से भी है और वाटर से भी है, तो आपको ऑब्जेक्ट ऊपर नजर तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। एक शॉर्टकट नोट कर लें इसका। नॉर्मली कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर मैं ये वाटर मीडियम लूँ और वाटर मीडियम से ये पूछूँ कि नॉर्मल शिफ्ट वाटर की वजह से कितनी है, तो पानी की वजह से नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा 20 × 1 − μ वाटर। बस म्यू वाटर, ये पानी का इफेक्ट है। पानी मीडियम की वजह से नॉर्मल शिफ्ट इसके इक्वल है। और ग्लास या ऑयल की वजह से कितनी है? ऑयल की वजह से ये भी टी की वैल्यू दोनों में 20-20 है, 1 − यहाँ पे ऑयल लगा लेना विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का और वाटर दोनों का गिवन है। फाइनल आंसर जो टोटल डी होगा वो पता है क्या होगा? D1 + D2। रूल नंबर 1, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया, रिफ्रैक्शन एयर से है, फिर ऑयल में है, फिर वाटर में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्नेल दो जब लगेगा ऑयल और वाटर का, तो कहीं ना कहीं वाटर रिस्पेक्ट टू ऑयल होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इसको स्नेल दो लगाएंगे म्यू ऑयल इंटू साइन आई म्यू वाटर इंटू साइन आर, तो म्यू ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, एयर तो बीच में है ही नहीं, राइट ऐसे ही है। तो ये आप इसका एक ये फाइनल रिजल्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मीडियम किसी के ऊपर है, हर कोई अपनी इंडिविजुअल नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करता है ये मानते हुए कि बाहर एयर है और ऑयल अलग करेगा, वाटर अलग करेगा, ग्लास है तीसरा मीडियम वो अलग करेगा। तुमने ये नहीं करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ऑयल का ले लेना, नहीं लेना, तुमने एब्सोल्यूट ही लेना है, इंडिविजुअल उनके अफेक्ट कैलकुलेट करने हैं और दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसमें विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नहीं लेना, अलग अलग कैलकुलेट करना है, उनको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट में ऐड करके आंसर आ गया। फिर एपरेंट डेप्थ क्या होगी? टोटल 40 सेंटीमीटर में से इस डी को क्या कर दें? माइनस, तो एपरेंट डेप्थ आ जाएगी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चन ये भी आता है, आपके पास एक ग्लास स्लैब है, आपके पास ये वाटर है और इसमें स्पेस है, और एक और मीडियम है, ये मीडियम म्यू वन है, ये मीडियम म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, ये टी थ्री है, ये टी टू है, ये टी वन है। आपको कहेगा एक कॉइन पड़ा हुआ है ये रहा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे कहाँ ऊपर नजर आएगा? कोई फर्क ना पड़ता इनमें गैप है या गैप नहीं है। तुमने इसका D1 अलग ही कैलकुलेट करना है, तुमने इसका D2 अलग कैलकुलेट करना है, और तुमने इसका D3 अलग कैलकुलेट करना है, और फाइनली इन सभी को क्या कर देना है? ऐड कर देना, आपका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही आता है कि अगर मान लो मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा D1, D2 और D3। अगला क्वेश्चन ये आता है, ये आपके पास एक पॉइंट है ओ, इसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब को रख दिया, ग्लास स्लैब ने इस पॉइंट को ओ डैश पे शो कर दिया, और मान लो 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया, नॉर्मल शिफ्ट यहां पर 2 सेंटीमीटर, मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व किया आपका 2 आ गया। क्वेश्चन ही वो पूछेगा कि अगर मैंने जो आंसर निकाला 2 सेंटीमीटर, ये मान के निकाला कि आपकी ग्लास स्लैब एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर है, ग्लास स्लैब इस पॉइंट के ऊपर है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूं, ग्लास स्लैब पॉइंट वहीं रहने दूं, ग्लास स्लैब को ऑब्जर्वर के आंख के बीच में ऊपर उठा दूं
और कॉइन को देखूं, इस ग्लास स्लैब के थ्रू ही देखूं, तो बताओ ये मुझे ऊपर कितना नजर आएगा? आंसर विल रिमेन सेम, कोई फर्क ना पड़ता, ग्लास स्लैब की पोजीशन मैटर नहीं करती। तुम यहां लगाओ, यहां लगाओ, आपकी आंख के बीच में कहीं पर भी ग्लास स्लैब आ गई, उसका अफेक्ट आपने कैलकुलेट करके उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करवा देना है। लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब मैटर नहीं करेगी, हर का अफेक्ट इंडिपेंडेंट है। वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे मैटर करेगा, लोकेशन पे मैटर नहीं करेगा। तो थिकनेस अगर टी है, उसका रिस्पेक्टिव डी निकाल लेना और वही आपका आंसर होगा, लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब मैटर नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक? कैसे आंसर लिखना है इसमें, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवेंथ खत्म हो गया। इसके बाद जो अगली शीट मिली हुई है वो है शीट नंबर 74A। इसे देखें, ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स हैं, नॉर्मल शिफ्ट की प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये वाइट कलर की ग्लास स्लैब है, जो कहाँ पर पड़ी हुई है, वाटर के बॉटम में पड़ी हुई है, पानी के बिल्कुल नीचे रखी हुई है। तो ये डायग्राम है, और फिर अ रे ऑफ लाइट एंटर करता है पानी की सरफेस में, एंट्री होती है पानी की सरफेस में, एंट्री बड़ा डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। 50 डिग्री पे एंट्री होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 50 डिग्री। तो यहाँ पर वाटर में रिफ्रैक्शन हुई, फिर वो रे ऑफ लाइट किस में एंटर करेगी, ग्लास में, वहां पर भी रिफ्रैक्शन है, तो कितनी रिफ्रैक्शंस हैं, दो। तो एक रिफ्रैक्शन पानी पे है और एक ग्लास स्लैब पे है। तो डायग्राम सही बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर के अंदर आर। फिर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो इस स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आर, ऑल्टरनेट एंगल से आर हो जाएगा आर, और ग्लास स्लैब के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश। फिगर क्लियर है? क्वेश्चन ये कि अगर मैं आपको ये 50 डिग्री दे दूं, तो इस ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश क्या होगा, ये क्वेश्चन में बताना है आपको, आर डैश बताना है। तो कितनी रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, बस मुझे ये बता दो, दो। तो स्नेल्स लॉ कितनी बार लगेगा, दो बार। स्टार्ट करते हैं, ये म्यू एयर है, ये म्यू वाटर है, ये म्यू ग्लास है। करें स्टार्ट, सबसे पहले यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगेगा, म्यू ए इंटू साइन ऑफ 50, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आर, राइट। साइन 50, चलो ऐसा क्वेश्चन आता तो है नहीं, 60 डिग्री 30 डिग्री आते हैं, चलो साइन 50 की वैल्यू अगर मैं आपको दे भी दूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का आपको गिवन है, यहां से सॉल्व करके साइन आर निकाल लेना पहला स्टेप है, जो भी आएगा संभाल के रख लो। क्लियर है यहां तक? सेकेंड स्नेल्स लॉ यहां लगेगा, क्या लगेगा, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आर, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आर, म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर डैश इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर डैश। कोई डाउट इसमें? आपको साइन आर तो मैंने ऊपर से निकाल ही दिया, पुट कर दें, वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो वहां से साइन आर डैश आ जाएगा और सॉल्व करके आर डैश की वैल्यू आ जाएगी। वो एंगल्स टेढ़े हैं वो अलग बात है, पर एंगल्स बढ़िया हो तो मेरे ख्याल से स्नेल तो लगाना आ रहा है सबको। मेथड पे फोकस करें सिर्फ, मेथड क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो दो बार स्नेल तो लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है एंड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, क्या निकालनी है, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आज करवाया था, टी अपॉन कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर, तो आई पता है, आर की वैल्यू स्नेल लॉ से निकाल लोगे, वहां से पुट करके आंसर आएगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेटरल शिफ्ट पे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं वैसे। आप इस क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन है कि अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37.7, एक्चुअल डेप्थ क्या होगी? देखो क्या करना है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। आपको एपरेंट डेप्थ गिवन है कितनी, 7.7,
सेवन. म्यू गिवन है कितना 1.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रियल डेप्थ कैन बी कैलकुलेटेड. कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है, एयर गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सी अपॉन वी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट. रेज का मतलब क्या निकालनी है? नॉर्मल शिफ्ट. तो ये लगा लेना, म्यू आपने निकाल लिया, टी आपको 6 सेंटीमीटर पता है, तो नॉर्मल शिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है सबको? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर द बॉटम ऑफ द कंटेनर 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है एंड कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी. मतलब यहां पर तीन मीडियम्स हैं, एक वाटर है, वाटर के ऊपर एक ऑयल ए है, एक ऑयल बी है. आपको इसकी थिकनेस पता है T1, आपको इसकी थिकनेस पता है, आपको इसकी थिकनेस पता है, आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आपको इसका पता है, आपको इसका पता है, टोटल शिफ्ट बताना है कितना है. तो टोटल शिफ्ट आज मैंने बताई दिया आपको, सीधा फॉर्मूला लगा देना, पहले वाटर की शिफ्ट निकालना, फिर ऑयल ए की निकालना, ऑयल बी की निकालना, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर तीन लिक्विड्स हैं, तीन मीडियम है, तो कैसे करना है? दो है तो कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना है, इंडिविजुअली ऐड कर देना है. इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है आपके पास एक ना क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी है? टोटल 210 सेंटीमीटर है, एमएम है, 210 एमएम है. ये लो, ये आपको गिवन है. ठीक है, इट्स अपेरेंट डिस्टेंस व्हेन व्यूड थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज 100 एमएम. चलो दो फेस हैं क्यूब के, एक लेफ्ट फेस है, एक राइट फेस है. कह रहा है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे यहां से देखता हूं तो मेरे को इसकी इमेज यहां नजर आती है, और अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे को इसकी इमेज पास यहां नजर आती है. दो केस हैं. तो जब मैं फेस वन से देखता हूं तो मुझे कहां नजर आती है? 100 mm पे. कहां नजर आती है 100 mm? का मतलब कि मेरे को यहां नजर आती है, ये 100 mm है. ये क्या चीज है? इसकी अपेरेंट डेप्थ. अपेरेंट डेप्थ है, जहां नजर आ रही है वो अपेरेंट डेप्थ है. और ऐसी अगर मैं यहां से देखता हूं तो इसकी अपेरेंट डेप्थ मुझे कितनी गिवन है? 40 mm. रियल डेप्थ नहीं मुझे पता है क्या है. तो आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और रियल डेप्थ बतानी है. चलो मान लेते हैं कि फेस नंबर वन में अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 100. चलो मान लो रियल डेप्थ कितनी है इसकी? एक्स. तो यहां से अगर रियल डेप्थ लेंगे तो क्या आएगी? 210 - x. पहले फेस वन कर लें. फेस वन अगर करते हैं तो फेस वन पे रियल डेप्थ अगर एक्स है, अपेरेंट 100 है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ. इक्वेशन नंबर वन क्लियर है. और अगर मैं दूसरे फेस से देखता हूं यहां से, तो रियल डेप्थ कितनी है? 210 - x, और अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 40. तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? रियल डेप्थ 210 - x डिवाइडेड बाय 40. इक्वेशन नंबर टू. अब म्यू तो सेम ही होगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके एक्स आ जाएगा, और उस एक्स को यहां पुट कर लें तो म्यू आ जाएगा. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो दो केस साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करने है? समझ में आ रहा है यहां तक? सही. नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एक वेसल गिवन है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, प्लीज ये दिख नहीं रहा पर ये दोनों के दोनों सिलेंड्रिकल शेप्ड ऐसे हैं, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और कंटेन्स 800 पाई ऑफ वाटर, क्यूब है मतलब वॉल्यूम है। आपको ग्रे कलर का वॉल्यूम गिवन है जो कि कितना है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंड्रिकल ग्लास पीस, ये ग्लास पीस है जिसका डायमीटर कितना है 8 है और हाइट कितनी है 8 है, प्लेस्ड इन द वेसल, ग्लास रख दिया, ये भी सिलेंडर शेप है। इफ द बॉटम ऑफ द वेसल अंडर द ग्लास पीस इज सीन बाय अ पेरेक्सियल रेस, ये पेरेक्सियल रेस क्या होती हैं हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, कि जैसे लेंस है, हम ना लेंस स्टडी करेंगे। लेंस में क्या होता है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हम पूरा ऑप्टिक्स लेंस का या मिरर का जब कंसिडर करते हैं और पढ़ते हैं तो इसमें उन रेज को लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी क्लोज हैं। हम दूर वाली रेज पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हमारा ऑप्टिक्स पूरे का पूरा पेरेक्सियल रेज पे है। इन रेज को पेरेक्सियल रेज बोलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ जाती है। आप लोग ऐसा क्यों, सारी रेज क्यों नहीं लेते, लेंस में सारी रेज ही लेंगे, नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब मैं पेरेक्सियल रेज लूंगा तो मान लो ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है। अब होता क्या है, अगर आपका लेंस बड़ा है और जो रेज दूर से आ रही हैं आपको अजीब लगेगा, वो यहाँ मिलती नहीं है, वो अलग जगह मिल जाती हैं, इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स। तो ये लेंस के क्या हैं, डिफेक्ट्स हैं। बड़े लेंसेज को स्टडी नहीं, मोटे लेंस को स्टडी नहीं करते हम ऑप्टिक्स में, थिन लेंसेज को करते हैं और वो भी सिर्फ कुछ रेज के लिए करते हैं, टोटल करते ही नहीं। तो जो आप ऑप्टिक्स एक महीना में पढ़ेंगे वो पेरेक्सियल रेज पे ही है, बाकी है ही नहीं, ठीक है। ये अजम्पशन है और प्रॉब्लम मैंने बता दी ऐसा क्यों, मल्टीपल फोकस दिखते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो चलो यहाँ पे चलो इसकी डिस्कशन नहीं है, बस मैं बता रहा था ये वर्ड पेरेक्सियल का मतलब क्या होता है, बस इसलिए मैंने समझाया। तो मतलब बहुत दूर दूर रेज को कंसिडर नहीं करना, बस छोटे से पोर्शन को कंसिडर करना है, वो पेरेक्सियल रेज है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं पेरेक्सियल रेज हैं और इसके अंदर निकालना क्या है कि एक बॉटम ऑफ द वेसल पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मुझे कितना ऊपर नजर आएगा, बस ये बता दें, या ये क्वेश्चन है। अगर आप मुझे ये बता दें इसमें कितने मीडियम्स हैं, दो, एक मीडियम कौन है, ग्लास, एक मीडियम क्या है, वाटर। तो अगर आप मुझे ये बता दें कि ये हाइट कितनी है वाटर की, क्योंकि मेरे को तो हाइट चाहिए होती है, विड्थ नहीं चाहिए, मीडियम की टी, मान लो ये टी वन तो मुझे आप दे ही रहे हो ग्लास का कितना, 8। अगर आप मेरे को ये टी टू दे दो तो मैं अपना नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला लगा लूँगा, टी वन वन माइनस ये ग्लास है और ऊपर वाले के लिए टी टू जो आप निकाल के दोगे और ऊपर का मीडियम क्या है, वाटर है। तो टी वन तो मुझे पता है 8 है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का मुझे पता है 1.50 है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है, राइट। ये निकालने के लिए मैथ है, फिजिक्स नहीं है। कैसे, आपको इस ग्रे कलर का वॉल्यूम दे दिया उसने 800 पाई, आप इस ग्लास सिलेंडर का वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे पाई आर स्क्वायर एच करके, आपको रेडियस पता है, आपको हाइट पता है, वहां से वॉल्यूम आ गया। तो फिर आप दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करके टोटल वॉल्यूम निकाल लेना, ग्लास स्लैब का और वाटर का टोटल वॉल्यूम आ गया। टोटल वॉल्यूम में टोटल पाई आर स्क्वायर एच कर लेना तो आपके पास पूरे सिलेंडर की क्या जाएगी, हाइट आ जाएगी, क्योंकि रेडियस आपको पता है बड़े सिलेंडर का। तो टोटल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच करके टोटल हाइट आ गई, टोटल हाइट में से 8 को माइनस कर देना, अब टी टू आएगा, वॉल्यूम से टोटल हाइट निकलेगी, टोटल हाइट में से 8 को माइनस करके टी टू निकलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, उस टी टू को पुट करके यहां पर डी की वैल्यू आएगी, आंसर है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की, कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, पहला लेक्चर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है कि नॉर्मल और जो एपरेंट शिफ्ट है या लेटरल शिफ्ट है या रियल और एपरेंट डेप्थ है वो एनसीईआरटी में कैसे काम करता है, ठीक है।